स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। सो हमने लास्ट टॉपिक में क्या किया था, अगर हम लास्ट टॉपिक की तरफ चले तो लास्ट टॉपिक में हमने किया था क्या, साधारण ब्याज। क्या किया था? साधारण ब्याज, ठीक है। तो साधारण ब्याज क्या होता है, जो साधारण ब्याज को क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए थे। और उससे नेक्स्ट क्या होता है, देखो ब्याज दो तरह के होते थे, मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्याज दो तरह के होते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है उसको क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो उसी से रिलेटेड रहने वाला है। क्या? CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, वो ब्याज होता है जो कि क्या, मूलधन पे तो लगता ही लगता है, और आप लोगों का किसके ऊपर लगता है, जो साधारण ब्याज होता है उसके ऊपर भी एक और बार जो ब्याज लगता है उसको क्या बोलते हैं, मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज लगना उसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हो आप लोग, मान लो मैंने 2000 रुपए क्या करवाए, किसी बैंक में क्या किए, जमा किए किसी बैंक में, ठीक है। तो उसने बोला कि 10% क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है एक साल का, प्रति वर्ष की दर से। तो वो कितना हो जाएगा, 2200 रुपया हर साल का, ठीक है, 10% उसका। तो फिर जो एक साल के बाद जो वापिस क्या लगेगा, ब्याज लगेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, चक्रवृद्धि ब्याज। जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा उसको क्या बोलेंगे हम, चक्रवृद्धि ब्याज। ओके, ठीक है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज देखो होता क्या है, तो इसमें भी सेम सा है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालते कैसे, तो उससे पहले क्या निकालेंगे हम, अमाउंट। अमाउंट मतलब, अमाउंट मतलब आप लोगों का क्या होता है, अमाउंट पिछली बार भी किया था हमने, पर ये अमाउंट कैसा होगा, चक्रवृद्धि मिश्र धन। इसको क्या बोलेंगे, मिश्र धन तो बोलेंगे, बट चक्रवृद्धि मिश्र धन बोलेंगे। और मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, पी एक जमा आर बटे 100 की पावर n। देखो अमाउंट मतलब मिश्र धन, और प्रिंसिपल मतलब मूलधन, आर मतलब रेट, दर दर, ओके, और एन मतलब टाइम, समय समय। तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा, ये आपका फॉर्मूला है क्वेश्चन करने का, क्या निकालने का, अमाउंट निकालने का, मिश्र धन निकालने का, ठीक है। और इसी से देखो अगर हम क्या निकाले, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, क्या होता है, अमाउंट माइनस पी मतलब मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन का फॉर्मूला क्या है, पी एक जमा आर बटे 100 और एन और माइनस पी, तो पी से कॉमन आ जाएगा पी, तो आप लोगों का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 + R/100 / n - 1। ये आप लोगों का क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। ओके, ठीक है, समझ आ गया यहां तक। ये आपके दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे, या तो आपको क्या बोलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा या मिश्र धन पूछेगा, ठीक है। और उसी तरह से अगर आर पूछता है तो इसी तरह के फॉर्मूले में आपने कर देना है, और एन पूछता है तो उसी तरह फॉर्मूले में क्या, उसको फिल करके क्वेश्चन निकालने हैं, आंसर निकालना है, ठीक है। ओके, सो देखो इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और हम चक्रवृद्धि ब्याज को क्या समझते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट समझते हैं। तो इसी से रिलेटेड मैं आपका एक क्वेश्चन ले लेता हूं, फिर हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो आइए, आपके पास पहला क्वेश्चन है, आपके लिए पहला क्वेश्चन है, 5000 रुपये पर 3 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक की दर से, वार्षिक की दर से, की दर से चक्रवृद्धि, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ओके, क्या होगा, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 5000 रुपए हैं, कितने 3 वर्षों के लिए क्या किए, जमा किए, और उस पर क्या लग रहा है, 10% वार्षिक की दर से, मतलब साल में एक ही बार क्या लगेगा, ब्याज लगेगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को साधारण ब्याज में भी क्लियर किया था कि अगर 6 माही वाला बोलेगा तो टाइम को 2 से गुणा, यस या नो, और 3 माही बोलेगा तो टाइम को कितने से गुणा, 4 से गुणा, क्यों, क्योंकि 12 महीने होते हैं, तो 3 माही 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा एक साल, ठीक है। ओके, तो उसी तरह के क्वेश्चन हम यहां पे भी करेंगे, जब मान लो
क्या बोला, छह माही बोला तो इस एन के साथ क्या हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा। अगर तीन माही बोला तो इसी एन के साथ चार गुना हो जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन करते हम लोग, क्वेश्चन क्या है, मूलधन क्या बोला इसने, कितने रुपए पर, 5000 रुपए पर। तो अमाउंट सॉरी मूलधन कितना है आप लोगों के पास, 5000 रुपए, ठीक है। रेट कितना है, दर कितना है, दर है आप लोगों के पास 10%। और कितने समय के लिए, टाइम कितना है, टी कितना है, कितना, 3 वर्षों के लिए। तो अब हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, मिश्रधन, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, सीआई का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस पी। तो आप लोग सिंपल सीधा शॉर्ट फॉर्मूला भी निकाल सकते हो या तो अमाउंट निकाल सकते हो, ठीक है। और अगर आप लोग अमाउंट निकालोगे सबसे पहले, मिश्रधन निकालोगे सबसे पहले, तो मिश्रधन कैसे निकलेगा, पी एक जमा आर बटे 100 की घात n। तो मिश्रधन क्या हो जाएगा, 5000, एक जमा आर कितना है, 10% बटे 100 की पावर 3। तो 10 एकम 10, 10 दाए 100, तो इसका एलसीएम लेके क्या आ जाएगा, 5000, अगर दोनों का एलसीएम लिया तो 10 जमा 1 बटे 10 की पावर 3। तो ये आ जाएगा आप लोगों का 5000 11 बटे 10 की पावर 3। तो इसका मतलब हुआ 5000 गुना 11 बटे 10 गुना 11 बटे 10 गुना 11 बटे 10। यस या नो, तो 3 जीरो से 3 काट लीजिए, तो 11 का घन कितना होता है, मैंने आप लोगों को बताया था 1331। ओके, आप लोगों को घन याद होंगे तो इजीली निकल जाएगा। और 5 से क्या कर देंगे, गुना, तो 5 से गुना कीजिए कितना आ जाएगा, 5 5 15 1 असल 5 15 और 1 16, 5 एकम 5 और 6, 6655। ये क्या निकलेगा आप लोगों का, मिश्रधन। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, मिश्रधन माइनस मूलधन, 6655 माइनस 5000, तो कितना आ जाएगा, 5561, 1655 रुपए। 1655 रुपए क्या रहेगा आप लोगों का, चक्रवृद्धि ब्याज, क्या रहेगा, चक्रवृद्धि ब्याज। ओके, यहां तक समझ आ गया, समझ आ गया ना। सो देखो, ये था हमारा एक नॉर्मल तरीका जिसको हम 5th क्लास के बाद 10th तक क्या करते थे, फॉलो करते थे। ओके, क्या करते थे, फॉलो करते थे। पर अगर हम इस फॉर्मूले को नहीं भी फॉलो करें तो हमारे पास एक और मेथड है, वही मेथड मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे इजीली बिना किसी फॉर्मूले याद रखे हुए क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हो। तो मैं क्या करता हूं, इसको मिटा देता हूं मैं इधर इतने से स्पेस में, और कुल 10 सेकंड में आप लोगों का आंसर निकाल लूंगा, ठीक है। तो देखो कैसे, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अमाउंट कितना गिवन है, मतलब मूलधन कितना गिवन है, प्रिंसिपल 5000, ठीक है। ब्याज किसके ऊपर लगेगा, इसके ऊपर। ओके, तो कितने साल, 3 साल। तो देखो ए 10% का मतलब क्या हुआ, 1 बटे 10, 1 बटे 10 इसका हर साल का क्या बनेगा, ब्याज बनेगा। मतलब जो एक साल में ब्याज बना वो अगले साल भी, देखो साधारण ब्याज कौन होता है, जो हम इस तरफ लिखेंगे वो क्या होगा, साधारण ब्याज, क्या होगा, साधारण ब्याज। तो निकालते हैं, देखो पहली साल 3 सालों के लिए बोला है, पहली साल 5000 का 1 बटा 10 कितना होता है, 500। दूसरी साल फिर 5000 पे ही लगता है साधारण ब्याज, देखो 3 साल का साधारण ब्याज बिल्कुल इक्वल होता है, तो दूसरी साल भी कितना लगेगा, 1 बटा 10 500। तीसरी साल कितना लगेगा, फिर 1 बटा 10 500। अब देखो इसके बाद जो लगेगा ब्याज के ऊपर, जो ब्याज लगेगा उसको क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब देखो जैसे ही पहला दूसरा तीसरा महीना, अब देखो पहली साल में सिर्फ यही आएगा हमारा ब्याज, 500 रुपए। क्या आएगा, फर्स्ट ईयर में ओनली एक ही, यस या नो, एक ही आएगा ना, दूसरी साल में ये, तीसरी साल में ये। पर पहले साल में कोई चक्रवृद्धि ब्याज नहीं होता, क्योंकि पहले साल में एक ही बार ब्याज लगता है, और वो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। पर दूसरी साल में देखो किस किस के ऊपर ब्याज लगेगा, दूसरी साल में किसके ऊपर ब्याज लगेगा, मान लो दूसरी साल का मतलब क्या हुआ, पहली साल कंप्लीट है, दूसरी साल क्या चल रही है, तो पहली साल कंप्लीट होने का मतलब क्या हुआ,
कि इस ब्याज के ऊपर क्या लगेगा, ब्याज लगेगा, और वो भी कितना ब्याज लगेगा, 1/10, मतलब इसका कितना ब्याज लगेगा, 50 रुपया, कितना 50 रुपया, ठीक है। फिर दूसरी साल जैसे कंप्लीट हुई, अब तीसरी साल, तो तीसरी साल देखो तीन जगह ब्याज लगेगा, कहां कहां, जैसे ही दो साल कंप्लीट हुई किसके ऊपर ब्याज लगेगा, इसके ऊपर, यस या नो, इसके ऊपर ब्याज लगेगा 1/10, तो कितना आ गया 50। और दूसरी साल फिर की दो साल कंप्लीट होने के बाद फिर दो अमाउंट और बचते हैं, ये वाला और ये वाला, तो इसके ऊपर 500 के ऊपर, 500 से ऊपर फिर क्या लगेगा, ब्याज लगेगा, तो कितना आ गया 50, कितना आ गया 50। अब देखो फिर ब्याज लगेगा किसके ऊपर, इसके ऊपर 1/10, क्यों, ब्याज के ऊपर ब्याज, ओके। तो दूसरी साल इसके ऊपर भी लगेगा, तो कितना बन गया 5। तो कर लो सभी ब्याज को जमा कर दो, ये क्या आएगा, ब्याज, साधारण ब्याज, और क्या साधारण ब्याज, और कौन सा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज जो नीचे वाला आ रहा है, ये क्या है, पूरा साधारण ब्याज। तो 5 किया 1500, बहुत इजीली कर सकते हो, 1500 50 50 50, 150, मतलब 155, कितना, ये आपका आंसर 1655 क्या रहेगा आपका आंसर, ठीक है। सो चलो एक बार में क्लियर नहीं होगा, हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, मान लो दूसरा क्वेश्चन है, 6000 रुपए पर 15% वार्षिक दर से, चलो 15 नहीं 25 करते हैं, आप लोगों के लिए इजी बनाते, 25% वार्षिक दर से 10 से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है, या क्या होगा, ठीक है, क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो जो सिंपल फॉर्मूला है उसी तो हम कर सकते हैं, पर जो मैंने दूसरा मेथड बताया था, ट्री मेथड, देखो 10 सेकंड में हम लोग कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं, आप लोग भी पक्का करोगे, बट क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगी बार बार। तो क्या है, मूलधन कितना है, 6000 रुपया, कितना है 6000 रुपया, कितने साल बोला है, 3 साल, तो 3 सालों का जो चक्रवृद्धि ब्याज है, या जो पहले जो ब्याज बनता है, वो उस ब्याज को क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज, और पहले साल, दूसरी साल, तीसरी साल, तो 6000 का 25% मतलब कितना हुआ, 4, यस या नो, 25% का मतलब कितना हुआ, 1/4, तो 1/4 कर दो इसका, कितना आएगा, 15 × 60, यस या नो, कर लो ना, 6000 × 1/4, 4 × 4 = 20, 1500 पहली साल भी बनेगा ब्याज, दूसरी साल भी, तीसरी साल, ठीक है, क्यों, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल ही बराबर रहता है, हर साल उस सेम ही रहता है, चक्रवृद्धि ब्याज देखो मैंने बोला था, अब किस किस के ऊपर ब्याज लगेगा, पहली साल साधारण ब्याज ही लगता है और कुछ भी नहीं लगता, अब जैसे ही एक साल कंप्लीट हुआ दूसरी साल चल पड़ी, तो दूसरी साल ओनली किसके ऊपर ब्याज लगेगा, इसके ऊपर, कितना, 1/4, तो 1500 का 1/4 कितना आ जाएगा, 4 × 3 = 12, 3 × 15 = 2250, 375 रुपया, कितना 375 रुपया, वो इधर लिख दो, क्यों, क्योंकि दूसरी साल लगेगा, दूसरी साल लगेगा, ओके। फिर दूसरी साल हो गया, अब तीसरी साल पे चलते हैं, तो तीसरी साल पे ब्याज किस किस पे लगेगा, इसके ऊपर 1/4, कितना 375, फिर इसके ऊपर वापिस एक और बार, क्यों, क्योंकि तीसरी साल चली, तो ये और ये अमाउंट बचता है और ये बचता है, यस या नो, तो इन तीनों पे लगेगा, और जो पहली साल कंप्लीट हुई दूसरी, तो इसके ऊपर ये लगेगा, तो 375 इसके ऊपर वापिस लगा दो, अब 375 का फिर 1/4, क्यों, इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा, तो कितना हो गया 375/4, ठीक है, 4 × 32 = 36 और 1 = 37, 4 × 12 = 3 = 15, 93.7 ले लेते हम लोग अप्रोक्सीमेट, ठीक है, ओके। तो सबको प्लस कर दीजिए आपका आंसर, सबको जमा कर दीजिए आपका आंसर, ठीक है, बस सबको जमा कर दीजिए, इसको 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 375, इसको और इसको, तो 15 × 3 = 4500, 375 को 3 बार
15, 1, 7, 21, 22, 3, 9, 2, 11 ये आ गया 1125 और 93 point इसको भी कर दीजिए 7, 5, 3, 8 ओके 9, 2, 11 5, 6, 1, 7 ये आपका आंसर 5718 ठीक है। अगर आप दूसरे फॉर्मूले से भी करते हैं तो देखो बड़ा टाइम लगता है कैसे बहुत ज्यादा टाइम लगता है अगर आप फॉर्मूला लगा के करते कैसे देख लीजिए 6000 पी अमाउंट निकालते ना पी बराबर है 1 + r कितना था 3 वर्ष ये लीजिए ठीक है तो कितना हो जाता 25 × 100 4 × 4 = 5 6000 × 5 / 4 × 5 / 4 × 5 / 4 तो आप लोग किसी भी मेथड से कर सकते हैं काट लीजिए 4 × 4 = 1500 4 से काटिए 375 और 4 से काटिए कितना 93.7 और 125 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोगों का क्या आ जाएगा अमाउंट फिर अमाउंट में से क्या करना है आप लोगों ने मूलधन को माइनस करना है ठीक है तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा ठीक है सो ये इस तरह से आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन हो गया इससे रिलेटेड तो आप लोग किसी भी तरह से चाहे इस मेथड से करिए चाहे इस मेथड से करिए ठीक है आप लोग आंसर निकाल सकते हैं सो चलिए फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन लेते हैं हम एक और क्वेश्चन लेते हैं किससे रिलेटेड उसी से रिलेटेड तो मान लो आप लोगों के पास क्वेश्चन है ठीक है 3 साल आए 4 साल आए जो भी ईयर आए आप लोगों का तो आप लोग क्या क्वेश्चन इजीली कर सकते हो मान लो आपके पास क्वेश्चन क्या है 8000 रुपए पर 15% वार्षिक दर से 15% वार्षिक दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए ठीक है सो हम क्या करते हैं उसी ट्री मेथड से करते हैं कैसे 8000 रुपए मूलधन है ठीक है 8000 रुपए अब 2 साल बोला है मूलधन है तो 15% का मतलब क्या हुआ मैंने आप लोगों को बताया था 3/20 3/20 ओके तो 3/20 मतलब क्या करेंगे इसको 3/20 ठीक है तो पहली साल दूसरी साल तो 3/20 काट दीजिए 20 × 80 = 400 रुपया पहली साल जो ब्याज बना 400 रुपया दूसरी साल जो ब्याज बना वो भी 400 रुपया पर अब क्या बोला है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज देखो इस बार एक ही बार लगेगा तो मैंने क्या बोला था दूसरी साल किसके ऊपर लगता है चक्रवृद्धि ब्याज ओनली इसके ऊपर तो इसका 3/20 20 × 40 तो हो जाएगा 20 × 3 = 60 20 × 3 = 60 तो आप लोगों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 400 + 400 = 860 रुपए कितना 860 रुपए ओके ठीक है तो मैंने कैसे किया 8000 का 3/20 मतलब 15% पहली साल 400 15% दूसरी साल 400 ठीक है फिर किसका 15% फिर इसका 15% ठीक है पहली साल कंप्लीट होने के बाद और अगर आप लोग इसको दूसरे मेथड से भी करोगे तो आप लोगों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा 860 रुपए ही आएगा ठीक है देखो बहुत इजीली हम लोगों ने कर लिया ठीक है